हे गाइस, वेलकम टू कॉम्प्लिकेटेड स्टडी। आज मैं आप सभी के लिए बीए फर्स्ट ईयर स्टूडेंट के लिए जो इम्पोर्टेंट वीडियो लेके आया हूँ, ये काफी महत्वपूर्ण वीडियो है, क्योंकि यह जो क्वेश्चन है आपके आने वाले एग्जाम में पूछे जाएंगे 2020 या इसके भी आगे आने वाले एग्जाम में। सभी जो अगर आप पॉलिटिकल साइंस से ऑनर्स कर रहे हैं, बीए फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट है, तो काफी इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें, और इसका मैं दूसरा पार्ट वीडियो का लेके आऊंगा, जिसमें राज्य का मार्क्सवादी सिद्धांत की जो गुण अवगुण सभी चीजों के बारे में डिस्कस करूंगा। तो काफी जो लंबे क्वेश्चन है, ये इसका जो उत्तर का जो लिखने का शैली होगा, कला होगा, ये थोड़ा सा लंबा होगा। तो वीडियो का अंत तक आप जरूर देखेंगे, और आपको, मुझे नहीं लगता कि आपको इतने लंबे प्रश्न को याद करने की जरूरत है। आप वीडियो को दो तीन बार, अगर दो तीन दिन तक देखे, रोज दो तीन बार देखे, तो अच्छे से आपको याद हो जाएगा, और बिल्कुल आप अपने आने वाले एग्जाम में इसको लिख पाएंगे और काफी अच्छा अंक जो है प्राप्त कर पाएंगे। तो एक मैं वीडियो लेके आऊंगा जिसमें आपको बताऊंगा कि बीए फर्स्ट ईयर के जो पेपर होते हैं उसमें कैसे लिखे जाएं कि आपको काफी अच्छा अंक प्राप्त हो, और बहुत ही कम समय में आप पेपर को बहुत ही अच्छी तरह कर पाएंगे। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले और अपने दोस्तों के साथ भी इसे जरूर शेयर करें। तो इस सीरीज में हम आगे बढ़ते हुए आज जो क्वेश्चन लेके आए हैं, राज का मार्क्सवादी सिद्धांत, जो आपके सभी कॉलेज यूनिवर्सिटी, कोई भी कॉलेज यूनिवर्सिटी के आप स्टूडेंट हो, उसमें पूछे ही जाते हैं। तो वीडियो का अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए, यहाँ पे मैं थोड़ा आपको बताता हूँ जो आज का प्रश्न है, राज्य का मार्क्सवादी सिद्धांत, इसके बारे में आज हम वीडियो लेके आए हैं। तो मार्क्सवादी दृष्टिकोण के अनुसार अगर हम बात करें, तो इसमें यहां से हम उत्तर लिखना प्रारंभ करेंगे। मार्क्सवादी दृष्टिकोण के अनुसार राज्य ना तो प्राकृतिक संस्था है और ना ही नैतिक संस्था है, यह एक कृत्रिम उपकरण है। उदारवाद की भांति यह सिद्धांत न तो राज्य के जनसाधारण की अभिव्यक्ति मानता है और न ही परस्पर विरोधी हितों के सामंजस्य का साधन स्वीकार करता है। उसके बाद हम यहाँ पे पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे, इस सिद्धांत के अनुसार राज्य की उत्पत्ति समाज में वर्ग के विभाजन के साथ जुड़ी हुई है। और इसके बाद यहाँ पे हम लिखेंगे, राज्य उस समय अस्तित्व में आता है जब निजी संपत्ति के आधार पर राज्य परस्पर दो विरोधी वर्गों में, वर्गों धनी तथा निर्धन वर्ग में बांटा जाता है। जो वर्ग उत्पादन के प्रमुख साधनों का स्वामी है वह अपनी आर्थिक शक्ति को सुदृढ़ करने के लिए राजनीतिक शक्ति का ताना बाना बुन लेता है। यानी कि जो लोग अपने आर्थिक, यानी कि आर्थिक तौर पे पैसों से काफी मजबूत होते हैं, वह राजनीतिक शक्ति का ताना बाना बुन लेते हैं अपने आप को समाज में सुदृढ़, अपने आप को ताकतवर दिखाने के लिए, यानी ऐसा ये कहना है। और उसके बाद है यहां पे ताना बाना बुन लेता है तथा वह राज्य का रूप ग्रहण कर लेता है। यानी कि जो वह राजनीतिक रूप का, अपने आर्थिक तौर पे मजबूत होने के कारण राज्य का जो राजनीति का जो ताना बाना बुन लेता है और वही राज्य का रूप ग्रहण कर लेता है, ऐसा राज्य का मार्क्सवादी सिद्धांत है। और उसके बाद है पैराग्राफ, यहां से हम लोग चेंज करेंगे, उसके बाद हम लोग यहां से लिखना प्रारंभ करेंगे, राज्य प्रभुत्वशाली वर्ग का उपकरण है, इस प्रकार यह धनी या संपन्न वर्ग द्वारा निर्धन के शोषण का यंत्र है। राज्य के माध्यम में संदेव शासक वर्ग के हितों तथा इच्छा में अभिव्यक्ति हुई है। इस सिद्धांत के अनुसार राजनीतिक शक्ति आर्थिक शक्ति के हाथ की कठपुतली है, वह वर्ग जो समाज के भौतिक तथा आर्थिक, और इसके बाद हम दूसरे पेज में देखेंगे, भौतिक तथा आर्थिक के बाद हम यहां से लिखना प्रारंभ करेंगे, भौतिक तथा आर्थिक साधनों का मालिक और नियंत्रक होता है, वह अंत में राजनीतिक दृष्टि से भी प्रभुत्वशाली तथा राज्य का नियंत्रक, निर्णायक तथा प्रशासक बन जाता है, तथा वह वर्ग जिसके पास आर्थिक साधन नहीं है वह निर्धन तथा अत्यंत पराधीन ही रह जाता है, जिसके कारण राज्य विभिन्न वर्गों के बीच तटस्थता से कार्य नहीं कर पाता है तथा समाज का प्रभुत्वशाली वर्ग राज्य की संगठित शक्ति का प्रयोग अपने स्वार्थों को पूरा करने के लिए करता है। राज्य इस प्रकार समाज के सभी वर्गों के हितों साधन का उपकरण न होकर केवल धनवान वर्गों के हितों का समर्थन करता है। यानी कि इसी कारण से मानना है कि राज्य केवल जो है धनवान, जो जो आर्थिक रूप से काफी मजबूत व्यक्ति हैं, उनका केवल हित करने में लग जाता है। तो इसीलिए यहाँ पे ये कहा गया है कि राज्य इस प्रकार समाज के सभी वर्गों के हितों का साधन न होकर केवल धनवान वर्गों के हितों का समर्थन करता है तथा उसी वर्ग के हितों को बढ़ावा देने के लिए, यानी कि धनवान वर्गों के हितों को ही बढ़ावा देने के लिए निर्धन वर्गों का शोषण करता है। आपने देखा होगा कई ऐसे धनी व्यक्ति जो आर्थिक रूप से काफी मजबूत है, चाहे वो राजनीतिक में हो या किसी अन्य चीज में हो, वो हमेशा निर्धन वर्गों का शोषण करते हैं।
इस प्रकार से यहां से पैराग्राफ चेंज है और इसके बाद यहां से लिखेंगे, इस प्रकार से राज्य एक प्राकृतिक संस्था न होकर मानव निर्मित संस्था है। जी हाँ बिल्कुल, राज्य एक मानव निर्मित संस्था है जिसका निर्माण संपूर्ण समाज के हित साधन के लिए नहीं बल्कि धनवान वर्ग के अपने स्वार्थ साधन के लिए किया किया है। यह जो है राज्य के मार्क्सवादी, इनका इसमें मार्क्सवादियों का यानी कि कम्युनिस्ट लोगों का मानना है कि इसमें केवल धनवान वर्गों के को के अपने समूह के धनवान वर्गों के जो समूह हैं उनके स्वार्थ साधन के लिए इसका गठन किया गया है। यह धारण समाज में प्रारंभ से ही विद्यमान रही है, यानी कि मार्क्सवादी राज्य के मार्क्सवादी सिद्धांत में इनका यह मानना है कि यह अभी से नहीं है कि ऐसा कि एकाएक ऐसा हुआ हो, यह जो है समाज के प्रारंभ से ही यह धारणा बनी हुई है। चलिए इसके आप हम आगे देखेंगे। तो फिर यहां से है, राज्य के मार्क्सवादी सिद्धांत दूसरी प्रमुख धारणा है कि राज्य पराधीन वर्ग के शोषण का साधन है। चूंकि राज्य प्रभुत्वशाली वर्ग के हाथ की कठपुतली है तथा इस वर्ग के हितों को बढ़ावा देने के लिए यह पराधीन वर्ग का शोषण करता है। इस कारण राज्य की नींव नैतिकता या न्याय पर नहीं रखी जाती है बल्कि सामाजिक अन्याय पर रखी जाती है। राज्य परस्पर विरोधी वर्गों के लिए संघर्ष का साधन नहीं करता है बल्कि प्रभुत्वशाली वर्ग के हित के लिए इस संघर्ष को बढ़ावा देता है। शासितों की सहमति की भ्रांति पैदा करने के लिए तथा अपने अस्तित्व को नैतिक दृष्टि से उचित ठहराने के लिए राज्य विचार धारात्मक शक्ति का प्रयोग करता है। तो आपने देखा काफी लंबा जो है, उतना भी लंबा नहीं था लेकिन फिर भी मैंने आपको काफी शॉर्ट में बताने का प्रयास किया कि आप किस प्रकार से इस प्रश्न का जो उत्तर है काफी अच्छे तरीके से लिख सकते हैं। हालांकि यह पार्ट वन है, इसका दूसरा पार्ट भी जल्द ही आपको अपडेट हो जाएगा। चाहे तो आप प्लेलिस्ट में, अगर बाद में अगर आप देख रहे हैं तो प्लेलिस्ट में जाके खोज भी सकते हैं, आपको वीडियो इसका दूसरा पार्ट भी मिल जाएगा। और मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि इस तरह के प्रश्न को लिखने की जो सबसे अच्छी टेक्निक होती है वो यह होती है कि आपको पूरा याद नहीं करना है। अगर आप जो मैं ये वीडियो बना रहा हूं, अगर आपको दो तीन बार अगर आप ये इसे अच्छे से सुने पूरा शुरू से लेके अंत तक, तो आप काफी अच्छा तरह से समझ भी जाएंगे। और काफी सरल भाषा में मैंने लिखा है ताकि आपको कोई भी तकलीफ ना हो। अगर आप इसे कॉपी में लिखना चाहें तो बिल्कुल लिख सकते हैं, और अगर आप अपने आने वाले एग्जाम में अगर इस तरह से लिखेंगे तो काफी अच्छे अंक जो है आप प्राप्त कर पाएंगे।